कौन सा कॉमन है बता ये स्क्वायर। देखो ए टू बी अरे माधव पिटेगा से बता रहा हूं मैं। वन वन इंटू क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया इसलिए वन वन इंटू। मैनी वन ऑन टू दिस इज मैनी वन ऑन टू मैनी वन इन टू दिस इज मैनी वन इन टू लिख लीजिए सर। ये चार तरह के फंक्शन हो। अब वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि वन वन ऑन टू है मैनी वन ऑन टू है मैनी वन इन टू है। जैसे आपसे एक प्रॉब्लम आ भी चुका है मैंने आपसे बोला ए वन टू थ्री और बी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और हमें फंक्शन गिवन है एफ वन वन टू माइनस वन थ्री माइनस वन तो ये कौन सा फंक्शन है मैनी वन इंटू क्यों है मैनी वन इंटू ये देखो इधर ऐसे बना लिया करो दिक्कत आए तो वन की इमेज टू की इमेज थ्री की इमेज तो मैनी वन इंटू क्योंकि छूट गया इसलिए इंटू और ये दो की इमेज है इसलिए मैनी वन। तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी आपसे। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा फंक्शन है वन वन ऑन टू है वन वन इंटू है मैनी वन ऑन टू है मैनी वन इंटू इस तरह की क्लियर है। तो वापस से हम आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन पे। पहला मैंने बताया था आपको कांस्टेंट फंक्शन क्या बताया था वापस से पीछे आओ कांस्टेंट फंक्शन है मैनी वन इंटू क्यों है मैनी वन इंटू हर एक की इमेज आपकी वही आ रही है तो मैनी वन हो गया और इंटू बाकी सब छूट गया एक ही वैल्यू आ रही है बस इसलिए वो क्या है मैनी वन कॉन्स्टेंट फंक्शन इज मैनी वन इंटू। सेकेंड क्या था हमारा मैं वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन इज वन वन ऑन टू फिर मॉडुलस फंक्शन मैनी वन इंटू ऑन टू नहीं है बेटा नीचे आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं किसी मैनी वन इंटू मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद क्या बताया था सिग्नम फंक्शन क्या होगा मैनी वन इंटू फिर स्क्वायर फंक्शन क्या बताया था मैनी वन इंटू स्क्वायर फंक्शन क्या बताया था मैनी वन इंटू। इसके बाद लिखो स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स बेटा रूट एक्स बनाएंगे तो सिर्फ ये फंक्शन बनेगा बस इतना आधा
क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी कभी, आधा फंक्शन बनेगा और y की वैल्यू भी सिर्फ पॉजिटिव आएगी। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, अब ये कौन सा फंक्शन? ऑन टू कहां से आ गया बेटा, ये छूट गया पूरा, वन वन इन टू डोमेन आर रेंज जीरो टू इनफाइनिट, रेंज जीरो टू इनफाइनिट लिख लीजिए। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे आएगी वो समझ, रुक जाओ अभी पहले इस पर प्रॉब्लम देख। लिखो भाई, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। बेटा इवनिंग में भी जा सकता है चैप्टर, ये लगे से रहा। एक्स माइनस वन देखो क्या होता है, डोमेन निकालने के लिए समझना, अंडरूट के अंदर जो भी वैल्यू हो कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसका मतलब x माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो डोमेन हो गया वन और वन से ज्यादा, ये डोमेन हो गया, डोमेन आ गया इसका वन और वन से ज्यादा, वन टू इनफाइनिट, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो डोमेन आ गया वन टू इनफाइनाइट। रेंज कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना, एफ एक्स को हम y ले लेते हैं, स्क्वायरिंग कर दो ताकि ये हट जाए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, अब y की वैल्यू रखने में कोई दिक्कत है क्या? बट ये वाई है और ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट। बेटा स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, नहीं पता है तो याद रख लो, रूट फोर क्या होता है, टू प्लस माइनस टू कभी मत बोलो, ओनली टू होता है, अधिकतर स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं क्योंकि पता नहीं होता है रूट फोर, जब मैं सबसे पहले पूछता हूं ना इलेवंथ और ट्वेल्थ में तो सब यही बोलते हैं प्लस माइनस, जबकि ओनली टू होता है कि सर हमने तो यही पढ़ा था, तो गलत पढ़ा, नेगेटिव नहीं होती स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट नाइन की वैल्यू थ्री प्लस माइनस थ्री नहीं, मैंने बोला था ना यही कंफ्यूजन है, प्लस माइनस कब लगता है अब तुम्हें समझाता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर है तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट फोर, इसलिए प्लस माइनस टू आएगा, लेकिन यदि x इक्वल टू रूट फोर है तो टू है, ये दोनों में अंतर, ये तब लगेगा भाई x की वैल्यू में क्या रखू यहां पर जिसका स्क्वायर करने पर, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है इसलिए, तो बेटा y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी बाकी कुछ भी रख सकते हो, तो इसका रेंज हो गया जीरो टू इनफाइनिट, जीरो टू इनफाइनिट ये इसका रेंज है, ठीक है, ऊपर से जा रहा है ना, मुझे लगा कि है ना पिच बड़ी बाउंसी है, अच्छा वहां पर है पिच बाउंसी, वहां तेज पिच है, वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है सर, तो ये इंडिया की पिच तो नहीं, स्पिन होगी बोल, लो इसी बात पे देखो, हाँ एक सेकंड पहले रुक जा, भूल जाऊंगा रट के आया, एफ एक्स इक्वल टू बेटा रात भर रटा है तब जाके पढ़ा रहा है,
तो तुझे आज तक पता ही नहीं चला चक्कर। अब बहुत ज्यादा लिख 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 4। अब देखो 2x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 4 दिक्कत कहां पर है? दिक्कत जो अपॉन में है उससे दिक्कत है। कभी भी अपॉन की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए तो 3x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू, तो 3x इज नॉट इक्वल टू मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो इसका डोमेन आ गया r माइनस माइनस 4 बाई 3। ये इसका डोमेन r माइनस माइनस 4 बाई 3, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस वन। इसको इसका डोमेन ये r माइनस माइनस 4 बाई 3, मतलब r में से आप इस माइनस 4 बाई 3 को हटाओगे। क्लियर है भाई? दिक्कत कहां कहां है? दिक्कत हमें दो जगह बहुत बड़ी दिक्कत है, एक तो अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए और एक स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इनको इग्नोर करो बाकी सब कुछ चलते जाए। पहले वाला लिया था मैंने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, तो मैंने बोला ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? जीरो या जीरो से, इसलिए मैंने क्या लिखा था, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा था कि नहीं? यहाँ अपॉन में आ रहा तो अपॉन में वैल्यू नेगेटिव मतलब जीरो नहीं आनी चाहिए, तो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसको हटा दो, जो जो नहीं आना चाहिए बाकी सब रख। अब जैसे मैं इसी का बोलता हूं डोमेन ही निकालते, रेंज बाद में बता देंगे। डोमेन ऑफ fx इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, बताओ इसका डोमेन क्या होगा? क्या जीरो नहीं होना चाहिए? तो डोमेन हो गया आर माइनस माइनस डी बाई सी, आ गया समझ में? आर माइनस माइनस डी बाई सी, जो भी अपॉन में आएगा उसका ख्याल रखना कि ये नहीं आना चाहिए। इसका डोमेन डोमेन रेंज बाद में बताएंगे। डोमेन नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? फैक्टर बताओ इसके, टू और मतलब एक्स की वैल्यू ना तो टू होनी चाहिए ना, तो डोमेन हो गया आर माइनस टू और, समझ में आ गया डोमेन? लिख लीजिए इसको, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। डोमेन तो पता लगता ही बेटा, रेंज निकालनी पड़ेगी बेटा, रेंज निकालनी पड़ेगी। बेटा इनवर्स भी इसी तरह से निकालते हैं जिस तरह से मैं अभी इसका रेंज निकालू। जैसे यदि आपको इनवर्स निकालना है तो जैसे मैं रेंज निकाल रहा हूं ना, वही इनवर्स निकालने का तरीका है, वही इनवर्स निकालने का तरीका है। जब मैं आगे इनवर्स बताऊंगा, अभी इसी का इनवर्स भी बता दूंगा कि इसका इनवर्स क्या होगा।
अब रेंज कैसे निकालेंगे, एफ एक्स को वाई ले लिया, एक्स वाई प्लस थ्री वाई, एक्स एक्स एक तरफ ले लिया, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स की वैल्यू वन माइनस थ्री वाई अपॉन, तो वाई क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब रेंज वन। और इसका इनवर्स, इनवर्स बता रहा हूं देखो इधर, इनवर्स एफ इनवर्स एक्स वन माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस, दिस इज इनवर्स, ऐसे इनवर्स निकले, यही इनवर्स निकालने का तरीका। कभी भी इनवर्स निकालना है तो ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करा दोबारा बता देता हूं, एफ एक्स को क्या ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे ये वाई की वैल्यू, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे अभी किसकी वैल्यू गिवन है, वाई की, मुझे क्या निकालना है, किस किस के लिए, रेंज और इनवर्स के लिए, एक्स वाई प्लस एक्स इधर ले लिया वाई उधर ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, फाइव माइनस वन वन माइनस, तो एक्स की वैल्यू वन माइनस थ्री वाई अपॉन, अब वाई की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो, तो ये वाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती, तो ये तो रेंज हो गया। इनवर्स क्या होगा, इस एक्स की जगह आपका वन माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस, ये इनवर्स हो, यही इनवर्स निकालने का तरीका है, यही आपका रेंज निकालने का तरीका, लिख लीजिए। अब इनवर्स की बात चली तो अब अगला टॉपिक में इनवर्स ही ले लो, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनवर्स, मैं तो अब चार ऑप्शन से पता कर लेंगे, ठीक है, बुक ले आता हूँ, वो स्कैनर ले आता हूँ। देखो इनवर्स ऑफ फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक, इनवर्स ऑफ फंक्शन, आते नहीं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका इनवर्स निकालना है, ऑप्शन से वन अपॉन एक्स माइनस प्लस वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो आपको पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो यहां पर, जीरो के अलावा, वन रखा तो टू रख, अब मैं सब में टू रख के देखूं, वन अपॉन थ्री, उल्टा इनवर्स मतलब उल्टा, वन रखने पर टू आया था तो टू रखने पर वन आना चाहिए, तो टू रखने पर वन जिस पे आएगा वही आंसर, तो आंसर कौन सा हो गया, बी हो आया, समझ में, ये ट्रिक है, मेथड अभी बता रहा हूं, मेथड वही जो अभी बताया, मेथड ये रहा,
x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू y हो गया, ये मेथड देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x x एक तरफ ले लो, x कॉमन आ गया, x इक्वल टू वन अपॉन, तो f इनवर्स x इक्वल टू वन अपॉन, ये आपका इनवर्स होगा। तो मेथड की जगह ट्रिक समझो, लिख लीजिए इसको, ये इनवर्स निकालने का तरीका है भाई। क्लियर है सभी को? ऑनलाइन बेटा इनवर्स निकालने का ट्रिक समझ में आ गई, मेथड भी समझ में आ गया, जवाब देने की रखी है बेटा। यस सर। कल मैं पूरा बता देता हूँ कैसे आओगे आप। मैं पूरा बता देता हूँ ना, देखो आपको तलमंडी में एक ट्रीट रेस्टोरेंट दिखी, ट्रीट तो रहन दो, आप तो इटोस की तरफ से आओ, इटोस दिखेगा, इटोस से आप सीधा इस तरह से आएंगे, यहाँ पर आपको एक मैप क्लासेस दिखेगी, सामने प्रोटीन प्लानेट है, ठीक है ना, तो मैप से मैप क्लासेस दिखेगी, प्रोटीन प्लानेट के सामने मैप, मैप में सामने यहाँ पर ये दरवाजा है, इसके ऊपर आना, तो फर्स्ट वाले फ्लोर पर मत आना, सेकंड वाले फ्लोर पर आना, हैं वेगन चाचा के, फिर ऊपर आ जाना, अब तो सही में पोकर काउंट है। चलो अगला देखो, सरप्राइज दूंगा ना तुम्हें, समझा करो बात, अभी सरप्राइज निकल जाएगा फिर पूरा। चले नेक्स्ट, उनसे बोलो ना यार एक बार, बाकी एक बार ही, अरे एक बार क्या, क्या बोलो, एक बार करो तो सही, रहा करो, हाँ चलो वो हाँ कर देंगे तो मैं भी साथ में हूँ, बस जो पढ़ा भी तो मिलके रहे, अभी गजब कर रहा, पढ़ा भी तो मिलके रहे, टेस्ट पेपर मैं अलग इसलिए लेता हूँ कि ताकि मेरे को सबका ध्यान रहे, नहीं तो मैं भी दे दूंगा आना वर्षा को, मैंने कहा ले ले टेस्ट, लेकिन वो लेगी टेस्ट तो फिर मुझे बताया कैसा होगा। सभी मेरिट में आ जाएंगे, वही तो जैसे हमारे वो एक बार कौन सा टेस्ट में आया था तुम्हारा, तुम्हारे भी नहीं इनके भी आए थे इको में, सबके मार्क्स पूरे में से पूरे मैंने की आया, इतना कौन सा पेपर इजी था यार, मतलब मैं मतलब वो हार्ड देता मैं इजी देता हूँ ना, तो चलो देखो, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, देखो इधर इसका इनवर्स निकालना है मुझे, यदि मैं x इक्वल टू वन रखता हूं तो थ्री आ रहा है बेटा, अब थ्री रखो उसको, अरे x इक्वल टू वन रखने पे थ्री आ रहा है, तो थ्री रखने पे क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, जो कि कौन सा ऑप्शन से आ रहा है,
फर्स्ट वाला आंसर इज फर्स्ट, बाकी को भी चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले में आ रहा और वही आर लगा दिया तो हो सकता है दो भी आ रहा हूँ, तो आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फिर मेथड बताऊं कि क्लियर है? तो ये तो इनवर्स निकालने का तरीका होगा। आ जाइए अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फोग और गो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आते नहीं बेटा, अभी फंक्शन कंप्लीट ही करेंगे, चाहे 10 मिनट ज्यादा लग जाए। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ये समझिए। कंपोजिशन मतलब मिला के, तो दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाना, उसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो बेटा ये होगा गोफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। इस तरह से ए बी सी ये एफ फंक्शन है, ये जी फंक्शन है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया गोफ। गोफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, बनाइए इसको। एफ इज ए दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाना आपका गोफ हो गया, तो गोफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, तो गोफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। बातें नहीं बिल्कुल भी। इसी तरह यदि g इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c, देन fog इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। ऐसा भी हो सकता है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू a, g इज ऑल्सो फंक्शन फ्रॉम a टू a, fog इज ए फंक्शन फ्रॉम A to A and go is a function from A to A. ये भी हो सकता। अच्छा है, F O F भी होता है। F ही की माने और आपसे बोल दे F O F निकाल। अब एक दो एग्जांपल ले लें जिससे कैसे करेंगे वो समझ रहे। F is a function from R to R given by fx equal to x square plus 5. G is a function from R to R given by gx equal to bateni 2x minus 3. Find fogx, gofx and fofx. मैं तीनों निकाल के बता रहा हूँ, ट्रिक बाद में बताएंगे, पहले एक बार मेथड समझ लीजिए। fogx, gofx एंड fofx, fogx f of gx, gx की वैल्यू 2x माइनस 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब बाहर क्या लिख रहा है? एफ लिखना है, लेकिन आपको जैसे एफ क्या गिवन है जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर छोड़ दो। इधर देख ले बेटा, नॉर्मी पहले जहां जहां एक्स आ रहा है उसको छोड़ दो, जितनी भी जगह एक्स आ रहा है उस पर ब्लैंक, और बाकी सब लिख दो।
इस ब्लैंक में 2x-3 आ गया समझ में। फोग एक्स होगा एफ ओ जी ए, जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 2x-3। अब आगे क्या लिख रहा है एफ, एफ लिखना है तो जहां जहां है एफ लिख रहा है तो एक्स को छोड़ देना मतलब ब्लैंक कर देना, उस ब्लैंक की जगह क्या आएगा जो ब्रैकेट में लिखा। अब ये हो गया ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्लियर है? ये आ गया 4x। लिखा लिखिए जल्दी लिखो बेटा, टाइम वेस्ट मत। अरे कार्तिक बेटा प्लीज लिख ले, तो बाद में कर लेंगे बातें बातें। लिख लिया तेरे कर लेगा तू। इसको कैसे निकालेंगे यदि आपको चार ऑप्शन गिवन है, तो मैं क्या करूंगा फोग एक्स निकालना है तो फोग वन निकाला सको एफ ऑफ जी वन, जी के अंदर वन रखो माइनस वन, एफ माइनस वन रखो माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव सिक्स। अब आपका पास आंसर सिक्स आ गया ना। अब चार ऑप्शन है, जो भी आपके ऑप्शन गिवन है उसमें एक्स की वैल्यू वन रखते जाओ। इसमें रखता हूं ये आंसर होगा एक ऑप्शन में, तो इसमें वन रखो। तो एक में आंसर सिक्स आएगा, यदि दो में आ रहा होगा तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और एक में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वही आंसर आ गया। समझ में कैसे करना है? फोग वन एफ ऑफ जी वन, जी वन की वैल्यू आप रखो यहां पर 2 × 1 − 3 माइनस वन हो गया, एफ माइनस वन निकाल लिया कितना आ गया सिक्स आ गया। इसका मतलब फोग वन की वैल्यू क्या आ रही है सिक्स। चारों ऑप्शन में एक्स इक्वल टू वन रखते जाएंगे, जिसमें सिक्स आ जाएगा वही आंसर। ठीक है लिख लीजिए, गोफ वन और गोफ एक्स, गोफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस, अरे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब देखो 2 − 3 2x² + 10 − 3 कितना आ गया 2x² + 7 2x² + 7 करने का तरीका वही है, गो ऑफ वन जी ऑफ एफ वन, एफ वन की वैल्यू, एफ वन की वैल्यू 6 2 × 6 − 3 12 − 3 9 इधर देखो एक्स की वैल्यू 1 रखो क्या आ रहा है, तो गो ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी 9। चार ऑप्शन, तो ये आ गया हमारा गोफ एक्स। दोबारा कनेक्ट करना है बेटा ऑनलाइन, एक बार और कनेक्ट करना है 15 मिनट के लिए जब बंद हो जाए। अब बेटा तुम दोनों का भी पूरा कंप्लीट हो गया, अब कुछ बचा हो तो मुझे बताओ, सारा पूरा हो गया अब तुम्हारा भी। एफ ओ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 + 25 + 10 एक्स स्क्वायर।
तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 30। इसे निकालने के लिए वही काम करना है, f of f1 की वैल्यू हो गई 6 का स्क्वायर प्लस 5 41। इधर देखते हैं 1 प्लस 10 प्लस 30 41 लिख लीजिए, मेथड सेम चलेगा। जियो जी भी निकाल लो तो एक ही बात, कुछ भी निकल जाए। इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम जनरली ज्यादा आती है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, अरे मत करो बातें यार, कभी कभी डांटने की इच्छा नहीं होती देखो, और कभी कभी डांटने की खूब इच्छा होती है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आज तो इनकी बैंड बजा दी और ढोल भी लिया। जब मैं क्लास में होती हूँ ना तब ज्यादा होती है। ओहो पागल, ऐसे ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं। हाँ है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मेरे तो बच गए, अब मेरे क्या बजाओगे तुम्हारे बजाओ तुम तो मेरे तो बच चुके हैं तुम्हारे बजवाएंगे हाँ, तो प्रत्येक घर वालों का नंबर दे दे, मैं बोल देता हूँ अपन तो करना क्या है, अपन तो करना क्या, यही करो और जिंदगी में क्या रह गया, यही करो एफ एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स की पावर एन अपॉन की पावर वन बाय। अब मुझे निकालना है एफ ओ एफ एक्स। अब बेटा इसमें जब तक मैं ब्लैंक लिखूंगा तब तक तो दिखता रहेगा कि हाँ मैं करके आ रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कुछ वैल्यू रख दूंगा ना उसके बाद कुछ भी नहीं पता चलेगा मैंने करा क्यों, इसलिए पहले ध्यान से देख लेना। एफ एक्स ये है ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर वन बाय। अब देखना इधर ए माइनस एन की पावर वन बाय, तो अभी तक तो दिखेगा कि मैंने क्या लिखा, क्योंकि एफ ही लिखना है तो एफ में लिखना है लेकिन एक्स को नहीं लिखना, यहां तक सबको दिख रहा है। अब इसके बाद लिखते ही आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, इसलिए यहां तक समझ में आ गया ना। अब इस ब्लैंक की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर वन बाय।